हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। अभी अपन देखने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत टॉक बात करने वाले हैं इंटरेक्शन। शुरुआत में तो अभी इंटरेक्शन जो होता है, मतलब जहाँ पे अपन पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उस तरीके से यहाँ पे कुछ तो है कंपोनेंट इंटरेक्शन, तो हम इसे देखने वाले हैं। मतलब इसका जो यूज़ है वो हम करने वाले हैं। अगर आपको इसके इसके संबंध में, मतलब इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी जाननी है, तो आप यहाँ पे एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन पे आके यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपको मिल जाएगा अपने वाले फंडामेंटल्स के अंदर, कंपोनेंट्स एंड टेम्पलेट्स के अंदर। यहाँ पे कंपोनेंट इंटरेक्शन है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हमें इसका कुछ अभी काम नहीं है, तो अभी अपन बढ़ते हैं अपने वाले नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसके उधर। तो हमारा इस प्रोजेक्ट का नाम है टिक टैक टो गेम। तो हम अभी एक वेबसाइट की ऐप में टिक टैक टो का गेम बनाने वाले हैं, जो आपने बचपन में बहुत खेला होगा, कि जो ऐसे दो 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 चार लाइन होती है और वहाँ पे आप हमें सर्कल और क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारी जो कमांड है वो रन आ जाते हैं। आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। तो मैं इसका नाम देता हूँ टिक टैक टो, ठीक है, टिक टैक टो। ऐसा हमने इसको नाम दे दिया है एंड मैंने एंटर करवा दिया। एंटर करने के बाद में यहाँ पे मैं राउटिंग के लिए यस कह देता हूँ, उसके बाद मैं CSS के लिए नॉर्मल अपना CSS रख के एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे अपना ये जो अलग वाला जो फोल्डर आपको दिख रहा है, ये मेरा अदर प्रोजेक्ट है, उसको उसके ऊपर आप ध्यान ना दो। यहाँ पे हमारे पास ये दिखे, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारा ओरिजिनल है टिक टैक टो, ठीक है। हाइपन हाइपन उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो जब जब तक ये होता है तब तक अपन थोड़ा सा और कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली बहुत सिंपल तरीके से काम करने वाले हैं। कुछ तो भी अपन बैकग्राउंड उठाते हैं इंटरनेट से। हम बैकग्राउंड इमेज अच्छी खासी हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए टिक टैक टो गेम खेलने के लिए। हम कोई भी इमेज आप यूज़ करवा सकते हो, हम सादी सुदी मतलब कौन सी भी ले लेते हैं अभी इसको, ठीक है। इसको लेनी है, मैंने इसको राइट क्लिक किया, ऊपर न्यू टैप किया, मुझे इमेज चाहिए थी ना, खुल जा भाई। ओके, मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। आप कोई भी इमेज ले सकते हो, वैसा आपको कुछ ये नहीं। BG1, ठीक है, BG1 नाम दे दिया मैंने इसको, और JPEG है ये, ठीक है। ये हो गया अपनी डाउनलोड, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, शायद से सब कुछ अटक गया है, थोड़ा सा अटकेगा, कोई टेंशन ना लो आप, टेंशन लेने वाली आपके लिए कुछ बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत ये प्रोजेक्ट रन होने तक ये थोड़ा बहुत अटकता है, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। प्रोजेक्ट होते ही मतलब हो ही जाएगा थोड़ी देर में। तब तक अपन अपने डेस्कटॉप में से हमारे इसको हम उठा लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद में हमारे यहाँ पे टेक्स्ट में सोर्स फोल्डर रहता है, सोर्स के अंदर हमारे पास असेट्स नाम का एक फोल्डर रहता है, जहाँ पे हमें जो बाकी की जो कोडिंग है ना वो यहाँ पर करनी है। मतलब यहाँ पे हमें कोडिंग नहीं करनी है, हमें यहाँ पे जो कुछ भी फ़ोटो बैकग्राउंड वगैरह जो कुछ भी लगता है हम वो यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये BG1 का जो फ़ोटो है, मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे उसको कॉपी कर लेता हूँ इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ, और अब अपना प्रोजेक्ट का भी काम अभी तक हो चुका है। मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाता हूँ, CD और टिक डैश टैग डैश टो, ठीक है, अंदर आ गया मैं। अभी हमें एक कंपोनेंट जनरेट करना है, जहाँ पे हम आइकॉन नाम रखेंगे उसका, जहाँ पे हमारे सारे आइकॉन रहेंगे, समझेगा आपको कि क्या हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो ng जनरेट और कंपोनेंट के लिए शॉर्टकट है C ng GC, ठीक है, शॉर्टकट यूज़ कर रहे अपन अभी।
उसके बाद में मैं कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर CompoNENTS कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मेरा नाम है आइकॉन, ठीक है। आइकॉन नाम का हमने एक फोल्ड कंपोनेंट तैयार करना है और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐप ऐप के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे अपना वाला ये फोल्डर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे यस या नो आप कुछ भी कह सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ये सिर्फ एनालिटिक्स के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे अपना वाला फोल्डर तैयार हो चुका है, ठीक है। इसके इसके ऊपर आते हैं हम बाद में थोड़ी देर में। उससे पहले थोड़ा बहुत हमें कुछ कंपोनेंट वगैरह कुछ इंस्टॉल वगैरह करवाने हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करवाना है टोस्टर और बूटस्ट्रैप को। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया होगा कि भाई टोस्टर ये हमारा कुछ भी मैसेज दिखाने के लिए काम आता है, और बूटस्ट्रैप तो हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है यहाँ पे, इसके लिए हम CSS के लिए यूज़ करने वाले। तो इसके लिए npm यहाँ पे आपको अगर कमांड दिख नहीं रही होगी तो मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, ठीक है, npm। और यहाँ पे इंस्टॉल के लिए हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और ngxtoastr टोस्टर, ये टोस्टर के लिए नाम है पैकेज का। और उसके बाद में बूटस्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद आज मैं एंटर करवा देता हूँ। हमारे अभी ये दोनों कंपोनेंट दोनों जो चीज़ें हैं वो एक साथ, मतलब वही एक के बाद एक इंस्टॉल हो जाएगी आराम से, कोई टेंशन नहीं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में अपन अभी अपन थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो मेरा जो पहले वाला जो प्रोजेक्ट था, तो मैं वहाँ से ना मैं थोड़ा सा CSS और वो सब कुछ उठा लेता हूँ, क्योंकि हमें आसानी हो आगे का प्रोजेक्ट कराने के लिए। क्योंकि हमें कुछ, मतलब ऐसा बात ऐसी है कि हमें फोकस हमें यहाँ पे एंगुलर पे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे CSS के इसमें हम ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको उठाता हूँ, ये हो गया, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने इस टाइल्स को, क्लोज करता हूँ मैं यहाँ पे। और अपने फोल्डर के अंदर, अपने SRC अपने प्रोजेक्ट के अंदर SRC के अंदर, और यहाँ पे हमें styles.css आ जाएगा। तो यहाँ इसको हम ग्लोबल स्टाइलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये CSS डाल लेता हूँ। सिंपल ये CSS क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करवा रहे हैं, उसके बाद में जो टोस्टर है उसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत CSS यूज़ कर लिया है। हमारे बैकग्राउंड इमेज का नाम जो है हमें वो यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज का नाम क्या है हमारा, वो है bg1.jpg, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड इमेज का नाम है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा काम यहाँ पे इस स्टाइल का हो गया है, ठीक है। उसके बाद में हमें थोड़ा बहुत HTML का काम करवाना है, वो भी अपन देखेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे जो हमारा जो app.component.html है, हम उसके अंदर जाते हैं। तो ये हमारा ऐप है, और ऐप के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर ये जो आइकॉन के है उसका है, और हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें app.component.html चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते ही हमें सारा का सारा मिटा देना है, कोई सिलेक्ट ऑल करके सारे के सारे को डिलीट करवा दो। उसके बाद में आप यहाँ पे सिंपली कुछ मतलब हमारा जो ये जो ऐप है ना, इसको हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो हमें मतलब ऐप यानी कि ये जो कंपोनेंट है आइकॉन, तो हम उसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो उसे दिखाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, वो जो सिलेक्टर रहता है ऐप आइकॉन, तो हमें उसे यहाँ पे इस HTML में डालना होगा। तो मैं अगर इसे ऐसा डालता हूँ, अरे यार क्या हो रहा है ये, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इतना सा छोटा सा काम करवा लिया है। और उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ी बहुत हमें जो आइकॉन वगैरह जो कुछ यूज़ करना है, तो उसके लिए हम थोड़े बहुत चीज़ें फंट ऑसम से हम इंस्टॉल करवा लेते हैं, तो वो भी आप देखिए। तो मैंने यहाँ पे एक requirements.txt की फाइल बनाई हुई है, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा जो जो हमें इंस्टॉल
करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए, अगर आपको दिखता नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारा का सारा लिख के आपको वन बाय वन सभी को इंस्टॉल करवाना है, जिससे कि जो कुछ भी हमें लगने वाला है, जो मतलब इतना तो सब कुछ हमें नहीं लगेगा फंड्स। अगर मतलब आपके पास अगर कोई JPG वगैरह हो तो आप वो भी यूज़ करवा सकते हो, लेकिन अभी ये इंटरनेट पे अवेलेबल है और हमें मतलब इस तरीके के अदर कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करने की आदत होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल लिया है, ठीक है। और ये सेकेंड अभी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है आप तो अपन इसको दो पार्ट्स में बांट लेंगे, जैसे कि आपको भी ज़्यादा टेंशन ना रहे, मेरे को भी ज़्यादा टेंशन ना रहे, ठीक है। हो जा भाई, हो जा जल्दी 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 जल्दी। थोड़ा सा आपके इस मतलब आपके नेटवर्क के हिसाब से ये थोड़ा डाउनलोडिंग में, थोड़ा सा इंस्टॉलिंग में टाइम लगाता है, बाकी कुछ नहीं। बहुत छोटे छोटे डाउनलोड्स होते हैं इसके, जब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, जिसके लिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपका नेट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद में हम आते हैं उसके नेक्स्ट पे। मैंने इसको कॉपी किया ना, हाँ ठीक है। SVG कोर, उसके बाद में हम लास्ट में आइकॉन को इंस्टॉल करवा लेंगे, ठीक है। ओके, ये सारा होने के बाद में हम जाएंगे अपने ऐप के फोल्डर में, ऑप ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत कुछ काम करने वाले हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत अभी जो ये हमने इंपोर्ट ये अभी जो इंस्टॉल करवाए हैं, ये जो फ्रंट वगैरह, तो हम इनको सभी को यहाँ पे ले लेंगे, और यहाँ पे ये भी लेंगे, और जो बाकी जो कुछ हमें लगने वाला है वो सब कुछ भी अपन देख लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सब कुछ हो गया, मैं इसको टर्मिनल को क्लोज करवा देता हूँ। अभी यहाँ पे अपन आएंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम हमने हमने जो फ़ॉन्ट ऑसम से मंगवाया है जो कुछ भी, तो हम वहाँ पे यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं फ़ॉन्ट ऑसम से, ठीक है। यहाँ पे हम इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट करवाना क्या है हमें, हमें फ़ॉन्ट ऑसम का जो मॉड्यूल है वो हमें इंपोर्ट करवाना है यहाँ पे। तो फ्रॉम इम्पोर्ट फ्रॉम, अभी ये कहाँ पे होगा, तो ये जो जब जो जो भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करवाते हैं तो हमारे ये एड्रेट में आ जाता है। तो एड्रेट में यहाँ पे आपको फोर्ट ऑसम ये नाम का यहाँ पे फोल्डर आ जाता है। तो फोर्ट ऑसम में हमें यहाँ पे जाना है एंगुलर फोर्ट ऑसम में, फोर्ट ऑसम स्लैश एंगुलर फोर्ट ऑसम फ्रंट ऑसम सॉरी एंगुलर फ्रंट ऑसम। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर का जो मॉड्यूल है वो हमें लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रंट ऑसम मॉड्यूल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा मॉड्यूल आ चुका है, ठीक है। तो अभी हमने तो अपना मॉड्यूल तो ले लिया, उसके बाद में हमें टोस्टर भी लेना है। तो TOSTR टोस्टर, TOASTR, ठीक है। इम्पोर्ट किया मैंने, हमें इम्पोर्ट टोस्टर करवाना है, ठीक है। टोस्टर का जो मॉड्यूल रहेगा हमें उसको इम्पोर्ट करवाना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें फॉर्म लिखेंगे इम्पोर्ट फ्रॉम एट द रेट ऑफ एंगुलर। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या ऐसा कि भाई प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक, ठीक है। प्लेटफॉर्म ब्राउज़र डायनामिक तो नहीं लगेगा हमें, प्लेटफॉर्म ब्राउज़र के बाद में हमें एनिमेशन चाहिए। क्यों क्यों चाहिए हमें एनिमेशन, क्योंकि टोस्टर जो यूज़ करता है, जो उसका डिस्प्ले होने का जो स्टाइल है, तो हम उसको थोड़ा सा एनिमेटेड करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें यही चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउज़र एनिमेशन मॉड्यूल हम ले लेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली है यहाँ पे, ठीक है। ये RxJS का कहाँ से आ जाता है मेरे को पता नहीं, जा भाई तू, गलती से आ गया होगा। उसके बाद में फिर से हमें इंपोर्ट करवाना है
जो हमारा एक्चुअल में जो टोस्टर है उसको अपन यहाँ पे इंपोर्ट करवाने वाले हैं। तो फ्रॉम, देखिए ये फ्रॉम दबा दो ना, मैं तभी आता है वो फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनजीएक्स टोस्टर, यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्टर TOASTER टोस्टर मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोस्टर मॉड्यूल आ चुका है। तीन इंपोर्ट हमने यहाँ पे करवा लिए हैं। उसके बाद में हमें ये तीनों इंपोर्ट यहाँ पे हमने जो जो लिए हैं वो यहाँ पे हमें हम अपने वाले इंपोर्ट्स में डालना होगा, ठीक है। क्योंकि हम जो कुछ भी इंपोर्ट करवाते हैं हमें यह हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि हमें बाद में कोई टेंशन ना हो, क्योंकि हमारे ऐप को मालूम हो कि भाई हमारे पास ये सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो टोस्टर यूज़ करवाने के लिए हमें यहाँ पे डॉट फॉर रूट करवाना होता है, ठीक है। ये उसका मेथड है, हमें ये यूज़ करना ही होता है, इसके लिए हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में आते हैं अपन थोड़ा बहुत कुछ देखते हैं यहाँ पे। ये जैसा हमने डेकोरेटर्स का जो कंसेप्ट देखा था ना, तो उसका थोड़ा सा अपन देखेंगे क्या है यहाँ पे। तो हम आते हैं अभी आइकॉन के अंदर, तो आइकॉन कंपोनेंट्स के अंदर, आइकॉन फोल्डर के अंदर। यहाँ पे अपना जो है आइकॉन डॉट कंपोनेंट डॉट TS के अंदर आ गए हैं अपन। तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्ट करवानी है। तो यहाँ पे ऑन इनिट के बाद में हम एक इनपुट यूज़ करने वाले हैं, इनपुट इसको सेम रहने देंगे, और फिर से एक बार एक इंपोर्ट करने वाले जो जो हमारे जो आइकॉन रहेंगे ना, यानी कि जो सर्कल रहेगा, जो क्रॉस रहेगा, और जहाँ पे खाली है वहाँ पे अपन पेंसिल या कुछ आइकॉन डाल देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या डालते हैं। तो FA पेन नाम का एक पेंसिल का आइकॉन आता है वहाँ पे, पेन या पेंसिल का, पेन का आता है, ठीक है। उसके बाद में FA टाइम्स, टाइम्स यानी कि क्रॉस, ठीक है। उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है ये दो हम लेंगे। देखिए अभी ये दो जो है, ये दो जो आइकॉन है ये हमारे सॉलिड आइकॉन है। तो इसके लिए हम हम इस आइकॉन को फ्रॉम यहाँ पे इनको मंगवाएंगे अपन एट द रेट ऑफ फोर्ट। ये तो फॉर्म हो गया ना, फॉर्म करना है, वही तो मैं सोचू क्यों नहीं आ रहा है भाई कुछ। यहाँ पे लिखता हूँ फोर्ट ऑसम, और यहाँ पे हमें सॉलिड चाहिए ना, सॉलिड SVG आइकॉन से, ठीक है। आ गया, एक बार फिर से इंपोर्ट करवाते हैं ये, जिस बार अपन सर्कल का करवाएंगे FA सर्कल, जो हमारा हॉलो सर्कल होगा, फ्रॉम एट द रेट ऑफ फॉन्ट ऑसम, ये हम मंगवाएंगे हमारे रेगुलर SVG से, ठीक है, फ्री रेगुलर SVG से मंगवा लेते हैं। इसके आखिर में आप सेमी कोलन लगवाओ या ना लगवाओ कोई टेंशन नहीं आता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट दोनों लगभग ना लगभग सेम नहीं, अलग अलग है, ज़्यादा टेंशन ना लो, देखेंगे कैसे क्या अलग है। तो अभी जो हमने यहाँ पे आइकॉन लिए ना, तो उनको हमें यूज़ कराने के लिए हमें उनको कुछ वेरिएबल्स में डालना होगा। तो हम इसी नाम के वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि हमें आसानी रहे कि भाई हम कब कौन सा क्या कैसे क्या यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, सेमी कोलन सेमी कोलन सेमी कोलन, हो गया। इतना तो काम अपना यहाँ पे हो चुका है। अभी इसके बाद में अपन जाएंगे हमारे थोड़ा बहुत अभी हमें जो कुछ भी काम करना है वहाँ पे अपन जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ना थोड़ा सा टू वे बाइंडिंग का भी हम अपन मतलब जो बाइंडिंग इवेंट बाइंडिंग वगैरह जो टू वे बाइंडिंग होती है वो भी अपन सब कुछ देखने वाले हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे अपन वो क्या है कैसे है। तो यहाँ पे अपन HTML के अंदर आते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ठीक है,
मेरे ख्याल से अगर मैं HTML को उधर से कॉपी अगर करता हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आपका आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। टेंशन ना लो, मैं आपको ये समझा दूंगा कि क्या कैसे क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने लिया है एक डिव, जिसके अंदर हमने ng स्विच, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी लैंग्वेजेस में स्विच केस रहता है, तो वैसे ही एंगुलर के अंदर अगर आपको स्विच केस यूज़ करवाना है तो आपका ऐसी सिंटैक्स ये है ng स्विच। ठीक है, और स्विच केस के अंदर हमने आइकॉन नेम डाला है यहाँ पे। ठीक है, आइकॉन नेम कहाँ से आया? आइकॉन नेम हमारे यहाँ से आएंगे। ठीक है, अगर 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 पेन का आइकॉन होगा तो वो कुछ अदर, मतलब अगर दीदी के यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा, तो ये अलग एक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब वहाँ पे आपका पेन लगवा देगा। क्रॉस होगा तो क्रॉस डाल देगा, ऐसा इस तरीके से ये काम होते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आइकॉन दिख रहा है तो यह पे आइकॉन हमने जो आइकॉन लिए ना वो यहाँ पे हमारे यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, जब जब अपन क्लिक करने वाले हैं तो जब तब 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 तक हमारा ये वाला जो HTML है ये वर्क होने वाला है। ठीक है, तो ये जो स्विच केस का जो सिंटैक्स है वो ऐसा ही है, आपको ये ऐसा ही लिखना है, एंगुलर के अंदर का सिंटैक्स है। देखिए अगर यहाँ पे एम्प्टी रहता है तो, मान लो अगर यहाँ पे है क्रॉस, ठीक है, आइकॉन नेम के अंदर है क्रॉस, तो यहाँ पे ये चेक करेगा सबसे पहले तो कि ng स्विच केस क्रॉस है तो ये एम्प्टी है तो ये मैच नहीं हुआ, तो ये क्रॉस है ये भी क्रॉस है तो मैच हो गया, तो इसके अंदर का ये जो है ये रन हो जाएगा, ये बाकी के रन नहीं होंगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब हमारा समथिंग वेंट रॉन्ग रन हो जाएगा। ठीक है, ओके, मैं ना अपने प्रोजेक्ट को ना रन करवा देता हूँ, मतलब यानी कि ये बहुत टाइम लेता है ना। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला था कि npm से भी हमारा प्रोजेक्ट रन हो सकता है, तो जैसे कि हम हमेशा ng serve कमांड का यूज़ करते हैं, तो इस बार अपन npm start कमांड का यूज़ करके देखेंगे, जो बाय डिफॉल्ट ng serve को ही कॉल करता है। ठीक है, तो ये इसका काम करता रहेगा, बाद में अपना प्रोजेक्ट जो है वो रन होके आ जाएगा, तो अपन देखेंगे उसको बाद में। तो अभी अब अभी तो अपना ये वाला काम तो हो चुका है, तो अभी अपन आते हैं फिर से अपने लिए app.component.ts में आते हैं, ऐप डॉट कंपोनेंट, सॉरी ये तो आइकॉन है, कहाँ गया ये, यहाँ रहा। ठीक है, यहाँ पे अपन आते हैं, यहाँ पे आने के बाद में हमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो करवानी है, तो यहाँ पे टाइटल जो है आपको जो चाहिए वो आप रखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो टाइटल की कोई बात नहीं यहाँ पे, उसके अंदर उसके बाद में हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लेने वाले हैं, जो जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक प्राइवेट के अंदर एक वेरिएबल लेने वाले टोस्टर नाम का, जब जब हमें टोस्टर की ज़रूरत होगी हम तब 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 तो यहाँ पे टोस्टर दिखवा देंगे। मान लो कि आपका मतलब अगर ऑलरेडी सर्कल फिल हुआ है तो वहाँ पे थोड़ी ना आप क्रॉस डाल सकते हो, तो इसके लिए वो जो मैसेज है वो हम वो शो करवाने वाले, तो इसके लिए हम ये यूज़ करना है। तो लेकिन हमने टोस्टर का तो मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करवाया है, तो हम उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं, टोस्टर की जो सर्विस रहती है MPORT इंपोर्ट, तो हम यहाँ पे फ्रॉम मैं करता हूँ NGX टोस्टर, और हमें चाहिए टोस्टर की सर्विस, टोस्टर की सर्विस चाहिए, मतलब जो हमें सर्विस दे सके यहाँ पे कि भाई तू इस तरीके से काम कर। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्टर सर्विस। ठीक है, यहाँ पे अपना टोस्टर सर्विस रेडी है, और इस कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे कि हमने ये टोस्टर कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दिया, तो हम इस टोस्टर वेरिएबल को हमारे पूरे क्लास में यूज़ करवा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे बाय डिफॉल्ट सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है, तो इसके लिए हमने वहाँ पे उसको डाल दिया है। ठीक है, जैसे कि मतलब टोस्टर की सर्विस जैसे ही प्रोग्राम रन था ना वैसे ही रन हो जाएगी। ठीक है, ओके, उसके बाद में मतलब यहाँ पे हम एक तरीके का कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन
करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं विन मैसेज को। अब जब जब यूज़र जीत जाएगा तो विन मैसेज आएगा ना, विन MSG कर दे इसको। और इसका जो टाइप है वो रहेगा स्ट्रिंग, और इसके अंदर अपन कुछ भी वैल्यू नहीं डालेंगे अभी 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 थोड़ी ना मालूम है हमें कि भाई ये कौन जीता है कौन नहीं जीता है। ठीक है, और अगर मतलब अभी देखिए वहाँ पे क्रॉस है या सर्कल है वो हमें कैसे मालूम होगा, तो इसके लिए हमें एक बुलियन मतलब बुलियन का वेरिएबल लेना होगा। तो उसके लिए मैं इस क्रॉस लेता हूँ कि भाई वहाँ पे क्रॉस है क्या, अगर क्रॉस नहीं है तो आप फॉल्स मतलब ट्रू ट्रू अगर क्रॉस है तो ट्रू करवा दो, क्रॉस नहीं है तो फॉल्स करवा दो ऐसा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो क्रॉस नहीं होगा तो इसके लिए फॉल्स आ गया। उसके बाद में आइटम एरे लेते हैं कम एक अपन, ओके आइटम का एरे लिया जहां पे हमारे ये जो सारे के सारे जो मतलब देखिए अभी जैसा कि आपको मालूम होगा कि भाई नो वहां पे बॉक्स रहते हैं उस गेम में, अगर आप ऐसे इस डॉग करोगे तो वहाँ पे नो नो टाइप बॉक्स होते, तो हम नो बॉक्स लेने वाले हैं। इसका मैं टाइप स्ट्रिंग लेता हूँ और ये हमारा एक एरे है और जिसके अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट 9 वैल्यूज डाल के रखेंगे जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होंगी एम्प्टी। तो हमने ये एम्प्टी क्यों ली है आपको ये बाद में समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप हमने यहाँ पे स्टेमिना में देखा है ना कि भाई एम्प्टी होगा तो पेन दिखा, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो टाइम्स या फिर सर्कल दिखा इसके लिए। ठीक है, अभी भी नहीं समझे तो बाद में समझ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। एरे लेते हैं, एरे हमें चाहिए 9 नंबर्स का एरे। ठीक है, और डॉट फिल करवाते हैं हम उसको, और उसको हम फिल करवाएंगे एक एम्प्टी नाम की स्ट्रिंग से। आप यहाँ पे एम्प्टी की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, MT1 भाई कुछ भी नथिंग वगैरह कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है। ओके, ये होने के बाद में हम आते हैं थोड़ा सा गेम का जो मेन लॉजिक है वहाँ पे। तो मान लो कि भाई हमें सबसे पहले हमारा जो गेम है हमें मतलब रिसेट करवाना है, रिलोड करवाना है। अगर सब कुछ जीत जाते हैं, सब कुछ हो जाता है या फिर गेम टाई हो जाता है तो हमें गेम रिलोड करवाना होता है। तो इसके लिए हम रिलोड फंक्शन ले देंगे, रिलोड गेम नाम का हमने एक फंक्शन ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये फंक्शन तैयार है। ठीक है, तैयार नहीं है, इसके अंदर हमें कोडिंग करवानी है। तो यहाँ पे हमने दिस डॉट, यहाँ पे देखिए अभी जैसे ही हमारा गेम मतलब ये रिलोड हो जाएगा तो विन मैसेज के अंदर क्या आना चाहिए, बाय डिफॉल्ट नल आना चाहिए। इसके बाद में ये जो क्रॉस है अपना वाला दिस डॉट इज क्रॉस, ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। उसके बाद में हमारा जो ये आइटम एरे है वो भी बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, सिंपली मैं दिस डॉट टाइप करके पेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे हमें दोबारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं टाइप, क्योंकि एक बार डिफाइन है अपना टाइप इसके लिए। ठीक है, इस तरीके से ये अपना काम यहाँ पे हो जाता है। ओके, ये होगा अपना रिलोड गेम का फंक्शन। उसके बाद में अगर हमारा गेम में कौन विनर है को मतलब विनर चेक तो कराना होगा ना, जब जब हमारा कोई भी पर्सन कोई भी यूज़र अगर क्लिक करवाता है तब तब हमें यहाँ पे विनर चेक करवाना है। तो इसके लिए चेक विनर नाम का फंक्शन लेते हैं, चेक विनर नाम का मैंने फंक्शन लिया यहाँ पे। और जैसे कि हमारा फंक्शन का ये जो रहता है सिंटैक्स उसके हिसाब से अपन ले लेंगे। ओके, इसके अंदर अपन छोटा सा एक लॉजिक है वो हम लेने वाले हैं, तो मैं जो उसका जो लॉजिक पार्ट है ना वो यहाँ से उठा लेता हूँ, तो वो थोड़ा टाइप करने में बहुत लंबा है। ठीक है, इसके लिए मैं इसको ये अपनी फाइल कौन थी app.compo.ts के अंदर से मैं उसको उठा लेता हूँ। ठीक है,
मैं आपको समझाऊंगा, आपको दिख रहा होगा ये लॉजिक बहुत ही बड़ा है भाई। तो ये तो बहुत बड़ा है, आप सोच रहे होगे। ऐसा कोई बात नहीं है, आप आपकी मर्जी से कोई भी छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। अभी ये जो है मतलब लॉजिकल पार्ट का तो आपका मतलब यूज़ कराने का हर एक आदमी का अलग अलग अंदाज रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर देखिए अभी यहाँ पे होगा क्या, तो हम चेक करवा रहे हैं कि भाई इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या डाला है। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा ना पेंट से समझा दूँ, ठीक है। मान लो ठीक, मैं ना इसको थोड़ा हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा इसे, ठीक है। ओके 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 ओके। तो सबसे पहले हमारा ये जो है इस तरीके का हमारा जो गेम रहेगा वो यहाँ पे ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। सही बात है, ओके सही बात है। इस तरीके से हमारा गेम दिखने वाला है। तो यहाँ पे अपना 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 5, 6, 7 और 8, इस तरीके से ये बॉक्सेस रहने वाले। तो अभी अभी देखिए यहाँ पे विनिंग पोजीशन क्या क्या है। हमें यहाँ पे देखिए हमारा चेक विनर का फंक्शन कब ट्रू होने वाला है, जब जब हम गेम जीतने वाले हैं। तो हम गेम कहाँ कहाँ पे जीतते हैं, अगर हमारा इस तरीके से सेम रहा तो, इस तरीके से सेम रहा तो, या फिर ऐसा ऐसा ऐसा, या फिर ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे गिनते जाए तो ये देखिए ये जो है ये तीन तीन यहाँ के और यहाँ के 3, 6, 7 और 8, इस तरीके की 8 कंडीशन यहाँ पे हमारी आती है इस गेम के अंदर विनिंग पोजीशन। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, इस तरीके की 8 पोजीशन हमारी यहाँ पे आती है इस गेम के अंदर, ठीक है। तो अगर हमें चेक करवाना है भाई कि भाई देखिए एरे ऑफ 0, तो यहाँ पे इस जगह पे और ये जगह और ये जगह ये इक्वल है, अगर है तो उसके आगे का भी चेक होगा। अगर ये जगह मतलब ये देखिए ये जगह और ये जगह इक्वल है, और ये जगह और ये जगह भी इक्वल है, और ये जगह और ये जगह भी हमारी इक्वल है, मतलब ये तीनों पोजीशन अगर सेम है तभी हम यहाँ पे विन मैसेज के अंदर जो भी वहाँ का जो आइटम होगा मतलब सर्कल होगा या फिर क्रॉस होगा ना, तो हम उसको वो मतलब जीता देंगे, मतलब जीत गया भाई ऐसा वहाँ पे हम मैसेज डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके का हम वहाँ पे मैसेज डालने वाले हैं। अभी मान लो कि भाई यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने डाला है कि भाई 3, देखिए आइटम एरे ऑफ 3, ठीक है। 3 नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब ये जो आइटम 0, 1, 2, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 के अंदर हमारा सर्कल है मान लो, ठीक है, तो वो तो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। पहली बात वो तो एम्प्टी नहीं है, उसके बाद में वो जो सर्कल है 3 के अंदर का, वही सर्कल के आपका 4 के अंदर भी है, अगर होगा तो ट्रू हो जाएगा। अगर वही सर्कल हमारा 5 के अंदर भी है होगा तो ये सारा का सारा ट्रू हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब हमारा ये ब्लॉक चल जाता है और यहाँ का जो मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जीतेगा कौन, देखिए अभी यहाँ पे 3 के अंदर क्या है, सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल वन ऐसा लिख के वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा लॉजिक काम करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे इसके लिए लिख लिख लिया है, ठीक है। तो मैं आपको आपको धीरे धीरे ऐसा दिखा देता हूँ, ये जैसे कि आप इसको कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो, आप वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। ये इतना सा थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा ये ऐसा लॉजिक है अपना वाला, ठीक है। ओके, ये लॉजिक हो जाने के बाद में ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ
आइकॉन डॉट कंपाउंड डॉट एच टी एम एल के अंदर आइकॉन नेम डिफाइन नहीं है ऐसा बोल रहा है ये। हाँ मुझे भी लगता है कि आइकॉन नेम हमने डाला ही नहीं यार, क्योंकि आइकॉन नेम डालना चाहिए था हमें। सही है बात, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आइकॉन टीएस में यहाँ पे हमने आइकॉन नेम देखे, यहाँ पे हमें ये यूज़ करवाना था लेकिन हमने वहाँ पे ये यूज़ करवा नहीं लिया। ठीक है तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे शुरुआत में आते हैं, सॉरी आइकॉन के अंदर। ठीक है आइकॉन डॉट कंपाउंड डॉट टी एस में आपको ये डालना है एट द रेट ऑफ इनपुट, यानी कि हम इनपुट का जो डायरेक्टिव है उसको अपन चेंज करवाने वाले हैं। उसके अंदर अपन जो हमारा जो इनपुट रहेगा ना आइकॉन नेम, उसको हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं आइकॉन नेम को। और अगर अपन यहाँ पे हमारा सर्वर रन करवाते हैं 4200, तो इस तरीके से ये हमारी जो ये है क्या बोलते हैं उसको फोटो आ रही है, छोटी होने के कारण ये रिपीट हो रही है बहुत बार। यहाँ पे देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है, देखिए अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो इसके लिए ये समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है हमें। ठीक है जो कंडीशन हमने यहाँ पे डाल के रखी है। ठीक है ओके आगे देखते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको टू पार्ट्स में डालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने में बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू।